श्री राम कृष्ण वचनामृत प्रथम भाग परिच्छेद एक। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवण मंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृणन्ति ये भूरिदाजन भुवि गृणन्ति ये भूरिदाजन। श्री गंगा जी के पूर्व तट पर कलकत्ते से कोई 6 मील दूर दक्षिणेश्वर में श्री काली जी का मंदिर है। यहीं भगवान श्री राम कृष्ण देव रहते हैं। बसंत ऋतु है, 1882 ईस्वी का फरवरी माह। श्री राम कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद कुछ दिन बीत चुके हैं। श्री केशवचंद सेन और जोसेफ कुक के साथ 23 फरवरी बृहस्पतिवार के दिन श्री रामकृष्ण जहाज में बैठकर घूमने गए थे। इसके कुछ ही दिन बाद 26 फरवरी की घटना है। संध्या का समय था। मास्टर ने श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश किया। इसी समय उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के प्रथम बार दर्शन किए। उन्होंने देखा कमरा लोगों से भरा है। सब लोग चुपचाप बैठे उनके वचनामृत का पान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तखत पर पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हुए प्रसन्न बदन हो ईश्वरीय चर्चा कर रहे हैं। भक्तगण फर्श पर बैठे हुए हैं। मास्टर खड़े खड़े आश्चर्य मुक्त होकर देखने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात सुखदेव भगवत प्रसंग कर रहे हैं तथा उस स्थान पर सभी तीर्थों का समागम हुआ है, अथवा मानो श्री चैतन्य देव पूरी धाम में रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे थे, जब एक बार हरि नाम या राम नाम लेते ही रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्या आदि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है। कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। उस अवस्था में केवल राम नाम हरि नाम या केवल ओमकार का जप करना ही पर्याप्त है। आपने फिर कहा, संध्या वंदन का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओमकार में। मास्टर सिद्धू के साथ बारहनगर से निकलकर एक बाग से दूसरे बाग में होते हुए यहाँ पहुंचे थे। रविवार का दिन था, छुट्टी थी, इसलिए घूमने निकले थे। थोड़ी देर पहले श्री प्रसन्न बनर्जी के बाग में घूम रहे थे। उस समय सिद्धू ने कहा, गंगा जी के किनारे एक सुंदर बगीचा है, देखने चलिएगा। वहां एक परमहंस रहा करते हैं। बगीचे के सामने वाले फाटक से प्रवेश कर मास्टर और सिद्धू सीधे श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आ गए। मास्टर विस्मित होकर देखते हुए सोचने लगे, वाह कैसा सुंदर स्थान है, कितने अच्छे महात्मा हैं, कैसी सुंदर वाणी है, यहां से हिलने तक की इच्छा नहीं होती।
थोड़ी देर बाद उन्होंने मन में विचार किया, एक बार देखा हूं कहां आया हूं, फिर यहां आकर बैठूंगा। मास्टर सिद्धू के साथ कमरे के बाहर निकले। ठीक उसी समय आरती की मधुर ध्वनि आरंभ हुई। एक साथ घंटे, घड़ियां, झांझ, मृदंग आदि बज उठे। उद्यान के दक्षिण सीमा से नौबत की मधुर ध्वनि गूंज उठी। वह ध्वनि मानो भगीरथी के वक्ष पर से होत संचार करती हुई कहीं दूर जाकर विलीन होने लगी। बसंत समीर पुष्पों की सुगंध लिए मंद मंद बह रहा था। चारों ओर ज्योत्सना छा गई। प्रकृति में सर्वत्र मानो देवताओं की आरती का आयोजन हो रहा था। 12 शिव मंदिर, श्री राधाकंत मंदिर और श्री भवतारिणी के मंदिर में आरती देखकर मास्टर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। सिद्धू ने बताया, यह रासमणि का देव स्थान है, यहाँ देवताओं की नित्य सेवा पूजा होती है। रोज कई लोग आते हैं, कई साधु संत, ब्राह्मण, भिखारी यहाँ प्रसाद पाते हैं। भवतारिणी के मंदिर से निकलकर दोनों बातचीत करते करते पक्के विस्तृत आंगन में चलते हुए पुनः श्री रामकृष्ण के कमरे के सामने आ पहुंचे। उन्होंने देखा कमरे का दरवाजा अब भिड़ा लिया गया है। कमरे के भीतर अभी धूप दिखाया गया है। मास्टर अंग्रेज पढ़े लिखे आदमी है, सहसा घर में घुस ना सकते थे। द्वार पर वृंदा खड़ी थी। मास्टर ने पूछा, साधु महाराज क्या इस समय कमरे के भीतर हैं? उसने कहा, हाँ वे भीतर हैं। मास्टर, ये यहां कब से हैं? वृंदा, ये बहुत दिनों से हैं। मास्टर, अच्छा तो पुस्तकें खूब पढ़ते होंगे। वृंदा, पुस्तकें? उनके मुंह में सब रखा है। पुस्तकें? उनके मुंह में सब कुछ है। मास्टर हाल ही में पढ़ाई लिखाई पूरी कराए थे, श्री रामकृष्ण पुस्तकें नहीं पढ़ते, यह सुनकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। मास्टर, अब तो वे शायद संध्या करेंगे, क्या हम भीतर जा सकते हैं? एक बार खबर दे दो ना। वृंदा, तुम लोग चाहते क्यों नहीं, जाओ भीतर बैठो। तब दोनों ने कमरे में प्रवेश किया। देखा कमरे में और कोई नहीं है, श्री रामकृष्ण अकेले तख्त पर बैठे हैं। कमरे में धूप की सुगंध भर रही है, सभी दरवाजे बंद हैं। मास्टर ने अंदर आते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण द्वारा बैठने की आज्ञा पाकर वे और सिद्धू फर्श पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण ने पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बराहनगर क्यों आए इत्यादि। मास्टर ने कुल परिचय दिया। वे देखने लगे कि श्री रामकृष्ण का मन बीच बीच में मानो दूसरी ओर खींच रहा है। उन्हें बाद में मालूम हुआ कि इसी को भाव कहते हैं, मानो कोई बंसी डालकर मछली पकड़ने बैठा है। जब मछली आकर कांटे में लगे चारे को खाने लगती है और बंसी का शोला हिलने लगता है, उस समय वह आदमी किस प्रकार व्यस्त होकर बंसी को पकड़े हुए एकाग्र चित्त से शोले की ओर टक लगाकर देखने लगता है, किसी से बातचीत नहीं करता। यह भी ठीक उसी प्रकार का भाव था। बाद में मास्टर ने सुना और देखा कि संध्या के बाद श्री रामकृष्ण को इस प्रकार का भावांतर प्रायः प्रतिदिन हुआ करता है। कभी कभी तो वे पूरी तरह वाहज्ञान शून्य हो जाते हैं। मास्टर, आप तो अब संध्या करेंगे, हम अब चलें। श्री रामकृष्ण।
भावस्थ नहीं, संध्या ऐसा कुछ नहीं। और कुछ देर बातचीत होने के बाद मास्टर ने प्रणाम किया और चलना चाहा। श्री रामकृष्ण ने कहा, फिर आना। मास्टर लौटते समय सोचने लगे, ये सौम्य दर्शन पुरुष कौन है? इनके पास फिर लौट जाने की इच्छा हो रही है। क्या बिना पुस्तकों के पढ़े भी मनुष्य महान बन सकता है? कितना आश्चर्य, मुझे यहां फिर आने की इच्छा हो रही है। इन्होंने भी कहा, फिर आना, कल या परसों सवेरे फिर आना। कृष्ण शरणम् राम कृष्ण शरणम् राम कृष्ण शरणम् शरण्यम्।